हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर नूर रहने सर, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपका स्वागत करते हैं चिखलदरा के अंदर, ये मेरा होम टाउन है। दोस्तों आज मैं खड़ा हूं यहां पे मोथा की वादियों में। चिखलदरा की बहुत शानदार वादी है, अभी कुछ ही दिन हुए, 2-4-5 दिन हुए जहाँ पे अभी बारिश चिखलदरा में चालू हुई है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में अभी बारिश, बहुत ज़्यादा और अच्छा मौसम हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो। मैं आपको इस साइड से बता देता हूँ, इस साइड में देखिए पूरा मौसम ग्रीन हो चुका है। चिखलदरा की एक खास बात मैं आपको ये बता दूँ कि चिखलदरा में एक भी अगर पानी गिरता है, वो चाहे धुपकाले में गिरो, समर में हो, चाहे रेनी सीजन में हो, चाहे विंटर में हो, पूरा ग्रीन हो जाता है। दोस्तों ग्रीन हो जाता है, जबरदस्त ठंडा माहौल हो जाता है, बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंडा माहौल है। मैं चिखलदरा की वादियों में खड़ा हूँ, यहाँ से चिखलदरा सिर्फ 8 किलोमीटर बचा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय हमने रास्ते से किया है, आपको सारे ब्लॉग मेरे देखने को मिलेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तमाम लोग नूर NS पे जाकर, मिस्टर नूर NS पे जाकर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं कि मोथा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, 12 ही महीने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चलती है। देखिए आपके पीछे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप मेरे पीछे देखिए कि यहाँ पर ये पवन चक्की है, ये वाइंड मिल प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर ये दो लगे हुए, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने, 2002-2001 के टाइम जब हम काफ़ी छोटे थे उस वक्त में ये लगाया गया था। उसके बाद में आपको इस साइड में देखिए, आप इस साइड में दो वाइंड मिल अभी लगी है, कुछ 5 या 6 साल हो चुके हैं इनको, ये वाइंड मिल अभी लगा हुआ है। आप देखिए अभी यहाँ पर टूरिस्ट जो आती है, मैं सभी को निवेदन करता हूँ कि आप ड्राइव सेफ करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है ड्राइव आप सेफ करें। हमारे जो यहाँ का जो लोकल मैनेजमेंट है, उन लोगों ने यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लगाए हुए हैं। देखिए सेफ्टी मेजर्स का काम चल रहा है, लेकिन अगर आप ड्राइव सेफ नहीं करोगे दोस्तों, आपका ड्राइव सेफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्राइव सेफ नहीं करेंगे तो इन बैरिकेड्स का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ, काफ़ी भारी तादाद में टूरिस्ट हमको रास्ते में भी मिली है। हम अभी चिखलदरा जाके आपको बताएंगे कितने लोग वहाँ पर है, पॉइंट्स के ऊपर कितने लोग हैं, कैसे लोग इन्जॉय करते हैं चिखलदरा को। मैं चिखलदरा के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, लेकिन आपका ड्राइव सेफ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ परतवाड़ा से लेकर चिखलदरा तक आपको मुरम का पहाड़ मिलता है, जो मुरम का पहाड़ बारिश गिरने से उसके छोटे छोटे रेत जो है वो रोड के ऊपर आ जाते हैं, जिससे गाड़ियाँ स्लिप होने का बहुत ज़्यादा जो है खतरा बना रहता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ड्राइव जो है आप सेफ करें, आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हर किसी का इंतजार घर पे कोई ना कोई कर रहा होता है। आगे के ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, मिस्टर नूर NS। चलता हूँ दोस्तों, दुआ में याद रखिए।